आजम खान ने पुलिस पर फिर बोला हमला, मतदान के बीच लगाए गंभीर आरोप, क्या लोगों को वोट डालने से रोक रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज है। मैनपुरी लोकसभा सीट, रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। इस बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। उपचुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक आजम खान ने रामपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आजम खान ने कहा, पुलिस रामपुर की जनता को धमका रही है और वोट डालने से भी मना कर रही है, जिस वजह से लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया है। सुनिए। मोहल्लों में जाकर पुलिस कह रही है कि वोट डालने मत निकलना। तारामंडल के पीछे एक मोहल्ले में इतना धमकाया पुलिस ने कि लोग अपने घरों में ताले डालकर पलायन कर गए वहां से। और ये तो हर जगह ही कहा जा रहा है कि वोट डालने मत जाना। जी हां, आजम खान के मुताबिक रामपुर पुलिस लोगों को वोट डालने से रोक रही है। आजम खान ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान कहा कि उपचुनाव में बर्बरता की जा रही है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, पुलिस मोहल्लों में जा रही है और लोगों से कह रही है कि वोट डालने मत जाना। एक मोहल्ले में जाकर पुलिस ने लोगों को इतना धमकाया कि उन्होंने अपने घरों को बंद कर लिया और डर के मारे घरों में ताला डालकर पलायन कर गए। हर जगह कहा जा रहा है कि वोट डालने मत जाना। तो वहीं समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया गया है, जिसमें बताया गया है कि रामपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपाई पुलिस की गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी के मतदाताओं को डंडे मारकर भगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी पर बूथ कैप्चर करने का आरोप भी लगाया। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा, रामपुर में बूथ संख्या 404, 405, 406 को भाजपाइयों ने कैप्चर कर लिया है। बूथ संख्या 84 बगीचा आमन में वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। बूथ संख्या 401, 402, 403 बिसरा गांव में बैरिकेटिंग लगा दी गई है। ये ऐसा पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हों। इससे पहले भी आजम खान पुलिस पर निशाना साध चुके हैं। रामपुर में अखिलेश यादव की जनसभा में आजम खान ने पुलिस पर तंज कसा। आजम खान पहले अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद सहित कई नेताओं के लिए नारे लगा रहे थे। इस बीच उन्होंने अचानक पुलिस के लिए नारे लगाने शुरू किए और पुलिस पर तंज कसा। आजम खान के अलावा कई समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर इससे पहले भी हमला बोला है और रामपुर उपचुनाव में लोगों को डराने और धमकाने का आरोप लगाया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।